सो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, वो अपन को बताना है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसपे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? तो फंक्शन क्या दे रखा है अपन को, एक बार मैं वो लिखता हूँ। यहाँ पे अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस टू टाइम्स मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू टाइम्स मोड ऑफ एक्स माइनस सेवन, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन डिफरेंट एक्स के लिए यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो जैसे सबसे पहला केस जब एक्स लेस देन माइनस वन हो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, तो एक्स लेस देन माइनस वन के लिए इसको ओपन करोगे तो उसमें एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, ये एक्स स्क्वायर है और इधर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स लेस देन माइनस वन के लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उस केस में ये जो मोड है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर एक्स लेस देन माइनस वन आएगा तो जो मोड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव तरीके से ओपन होगा, तो वो मोड ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब इसको ओपन करना है अपन को, तो एक्स अपन को लेस देन माइनस वन दे रखा है और नेगेटिव एक्स के लिए मोड कैसे ओपन होता है, माइनस एक्स में, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे भी टू टाइम्स माइनस एक्स होता तो माइनस टू एक्स लिख दिया मैंने एंड ये माइनस का सेवन, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई अपनी। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस दे रखा है इधर ये माइनस का टू एक्स माइनस का टू माइनस का टू एक्स माइनस का सेवन। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा एंड यहाँ पे माइनस का फोर एक्स माइनस एट आ रहा है। सो सबसे पहली चीज जो अपन ने नोटिस करी एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर माइनस का फोर एक्स माइनस का एट जब एक्स लेस देन माइनस वन है। अब जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में लाई करे उसमें चेक करता है एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर वही रहेगा एक्स स्क्वायर, जब माइनस वन से जीरो के बीच में है तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है वो नेगेटिव होगा, तो मोड को कैसे ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस के साइन के साथ, ये इस तरीके से हो जाएगा अपने पास। उसके बाद यहाँ पर अगर देखे तो माइनस वन टू जीरो के बीच में ये जो मोड एक्स माइनस वन वाली चीज है वो यहाँ पे नेगेटिव ओपन होगी, और उस केस में ये जो मोड है वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही ओपन होगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा पूरा। तो ये पूरा यहाँ पर बन जाएगा प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस वन, इस तरीके से बन जाएगा अगर तुम चेक करोगे तो, ये नेगेटिव ओपन होगा एंड माइनस का सेवन अपन को दे ही रखा है। सो इसको अगर तुम चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस टू माइनस का टू टाइम्स एक्स माइनस का सेवन, सो ये कैंसिल हुआ, तो ये तुम्हारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स आया। सो एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स आया माइनस वन टू जीरो के केस में। अब जीरो टू वन वाला केस लेता है, जीरो टू वन वाले केस में यहाँ पे क्या होगा वो चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कि ऐसा ही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो अंदर वाली चीज अभी भी नेगेटिव आएगी जीरो टू वन के केस में, तो ये मोड को यहाँ पे इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा विद ए नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसमें देखोगे तो ये अंदर वाला नेगेटिव है तो अगेन वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन होगा माइनस ऑफ मोड एक्स माइनस वन। अब मोड एक्स जीरो टू वन में तो पॉजिटिव रहेगा तो उसको अपन बेसिकली सिर्फ एक्स ही लिख सकते हैं, तो वो प्लस टू टाइम्स यहाँ पे एक्स माइनस वन हो जाएगा इस तरीके से। ओ सॉरी, माइनस का टू टाइम्स हो जाएगा, माइनस का टू टाइम्स आएगा यहाँ पे माइनस का टू टाइम्स एक्स माइनस वन।
यहाँ पे ये जो मॉड एक्स माइनस वन था ये अंदर वाला वो 0 to 1 में नेगेटिव था, तो ये जो बाहर वाला मोड है वो नेगेटिव के फॉर्म में खुलेगा, इसलिए माइनस का साइन आएगा। इधर तो सिंपली 2x रह जाएगा एंड माइनस का 7 रह जाएगा। तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये 2x² - 1 माइनस का 2x+2 प्लस का 2x - 7 आ रहा है। तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये भी तुम्हारे पास 2x² - 6 ही आ रहा है जब x 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब जो लास्ट है अपना केस वो x > 1 के लिए चेक करता है, तो इस केस में f(x) क्या होगा, तो x² जो ऐसे का ऐसा खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो मॉड ऑफ x² - 1 है, तो x > 1 के लिए x² - 1 यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो मोड सिंपली इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है x > यहाँ पे 1 के लिए, ये जो पहले तो अंदर वाला मोड यहाँ पे सिर्फ x की तरफ खुलेगा, एंड उसके बाद ये तुम देखोगे तो x > 1 के लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी सिंपली +2 टाइम्स यहाँ पे x - 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको चेक करोगे तो ये भी सिर्फ सिंपली 2x हो जाएगा एंड -7 इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे तो x² - x² + 1 + 2 टाइम्स x - 2 + 2x - 7 इस तरीके से आएगा, तो ये कैंसिल हुआ। तो ये यहाँ पे देखोगे तो 4x - 8 आएगा फॉर x > 1। सो अपने पास, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सारी जो अपन ने बनाई है। तो शुरू में तो अपने पास -4x - 8 और x < -1, फिर अपने पास बना 2x² - 6 -1 to 0 के केस में, फिर बना 2x² - 6 यहाँ पर 0 to 1 के केस में, फिर बना 4x - 8 x > 1 के केस में। ये सारी चीजें बनी अपने पास। अब यहाँ पर अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करता है, बेसिकली अपन को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है, पहले कंटिन्यूटी चेक करता है। तो यहाँ पर x - 1 पर पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है, तो 4 - 8 - 4 आ रही है, और इधर भी यहाँ पर तुम x - 1 पुट करके देखो तो 2 - 6 - 4 आ रही है। तो मतलब इस जगह तो कंटिन्यूअस है ये, यहाँ पे अब 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। इधर भी 0 पुट करके देखो -6 आ रहा है, तो इधर से इधर में भी कंटिन्यूअस है। इधर इसमें 1 पुट करके देखो कितना आ रहा है, 2 - 6 - 4 आ रहा है, और इधर भी 1 पुट करके देखो -4 आ रहा है, तो इधर से इधर भी कंटिन्यूअस है। यानी f(x) यहाँ पर ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ये अपन बता सकते हैं। अब कंटिन्यूअस है तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो f - x का अगर अपन देखें, सो x < -1 के लिए क्या आएगा, -4 आ जाएगा। -1 to 0 के लिए यहाँ पर बेसिकली 4x आ जाएगा, अगेन 4x आ जाएगा यहाँ पर 0 to 1 के लिए, एंड 4 आ जाएगा x > 1 के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंट पोर्शन में चेक करता है, तो यहाँ पर x - 1 पर -4 आ रहा है, और इधर भी -1 पर -4 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सेम है, तो मतलब ये यहाँ पर डेरिवेबल है या फिर डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है यहाँ पर। इधर भी यहाँ पर तुम 0 पे चेक करोगे तो 0 आएगा, और इधर भी 0 पे चेक करोगे तो 0 आएगा, तो इधर भी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सेम है। इधर 1 पर 4 आ रहा है और इधर भी 1 पर 4 आ रहा है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड सेम है, तो मतलब f(x) क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स। तो ये डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल इज 0। तो ऐसे 0 पॉइंट्स है जिस पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।